Hello friends, this is Suman before you and welcome back to my channel, The Learning Point Spoken Academy. Friends, in this video, I'm going to teach you one advanced level instruction which will improve your English very soon. So friends, without wasting any more time, we should start the video. फ्रेंड्स वीडियो को शुरू करने से पहले मैं कुछ बातें यहाँ पे शेयर करना चाहूंगा जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स मैंने बहुत सारी ऐसी वीडियो बना रखी जो कि आपकी अंग्रेजी को बेहतर से बेहतरीन बना सकती है। फ्रेंड्स अगर आपने उस वीडियो को देख लिया तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। फ्रेंड्स अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो उसका लिंक मैं आई बटन में दे रखा हूँ, आप जल्दी से जो वहाँ क्लिक कीजिए और अपनी अंग्रेजी को बेहतर से बेहतरीन बनाइए। तो फ्रेंड्स चलिए हम लोग बॉटम लाइन की बात करते हैं। फ्रेंड्स अक्सर बोलचाल की दुनिया में हम लोग ऐसे सेंटेंसेस बोलते हैं, इसी दौरान वे लोग आपका अपमान कर रहे थे, इसी दौरान मैं पटना पहुंचा, इसी दौरान उसने शादी कर ली। तो फ्रेंड्स ये तीनों जो हिंदी के सेंटेंस है देख रहे हैं इसमें जबरदस्त फ्रेज आ रहा है इसी दौरान। तो फ्रेंड्स इसके लिए हम लोग इंग्लिश में इस्तेमाल करते हैं इन द मीनवाइल। तो फ्रेंड्स इन द मीनवाइल को बारीकी से समझने के लिए, बहुत शानदार तरीके से समझने के लिए इसको हम स्ट्रक्चर में तब्दील करेंगे, तभी जाकर आपको अच्छे से समझ में आए। तो फ्रेंड्स आप अपनी नोटबुक निकालिए, कॉपी निकालिए और लिखिएगा, स्ट्रक्चर नोट कीजिएगा। इन द मीन वाइल प्लस सेंटेंस, इन द मीन वाइल प्लस सेंटेंस, पहले आपको इन द मीन वाइल लगाना है, उसके बाद कॉमा लगाना है, उसके बाद सेंटेंस को ऐड करना। सेंटेंस कहने का मेरा अर्थ ये हो रहा है जिस टेंस का होगा उसके अकॉर्डिंग आपको चेंज करना है। वो प्रेजेंट का हो सकता है, पास्ट का हो सकता है, फ्यूचर का या कंटिन्यूस का हो सकता है, किसी भी कंटिन्यूस का हो सकता है। तो फ्रेंड्स आइए चलिए कुछ एग्जाम्पल्स को देखते हैं। फ्रेंड्स हमारा पहला एग्जाम्पल है, इसी दौरान वह लड़कियों को छेड़ रहा था, इसी दौरान वह लड़कियों को छेड़ रहा था। इन द मीन वाइल कॉमा ही वाज पेस्टरिंग द गर्ल्स, इन द मीन वाइल ही वॉज पेस्टिंग द गर्ल्स या ही वॉज मोलेस्टिंग द गर्ल्स। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि नंबर वन एग्जाम्पल आपको अच्छे से समझ में आ गया और बहुत शानदार तरीके से समझ में। और एक इसमें नया वो कैब मैंने ऐड किया है, पेस्टर। पेस्टर का मतलब ही छेड़छाड़ करना होता है, लेकिन मोलेस्ट का भी अर्थ होता है छेड़छाड़ करना। तो बेसिकली लड़कियों के लिए मोलेस्टेस का वर्ड का ही इस्तेमाल करते हैं, मोलेस्ट वर्ड का ही इस्तेमाल करते हैं और पेस्टर का भी। तो पेस्टर थोड़ा सा एडवांस लेवल का वोकैबुलरी होता है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स नंबर वन एग्जाम्पल आपको सत्ता से समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं आपसे नंबर सेकंड एग्जाम्पल के दौरान। तो फ्रेंड्स हमारा नंबर सेकंड एग्जाम्पल है, इसी दौरान आपने परीक्षा में चोरी की, इसी दौरान आपने परीक्षा में चोरी की। फ्रेंड्स आप बचपन से ये सुनते हो परीक्षा में चोरी की, लेकिन इसका वोकैबुलरी बहुत टफ है, इतना आसान नहीं है, लेकिन ये वोकैबुलरी जो देने जा रहा हूँ बहुत जबरदस्त है कि इसी दौरान आपने परीक्षा में चोरी की। इन द मीन वाइल, इन द मीन वाइल कॉमा यू अडॉप्टेड अनफेयर मीन, यू अडॉप्टेड अनफेयर मीन। अडॉप्ट अनफेयर मीन का मतलब होता है कदाचार करने या परीक्षा में चोरी करने, इसका अर्थ होता है। तो फ्रेंड्स ये भी एक एडवांस लेवल का वोकैबुलरी, आप अपने से नोटबुक में जरूर ऐड कर ले। टू अडॉप्ट अनफेयर मीन इसका मतलब कदाचार करना या परीक्षा में चोरी करना। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि नंबर सेकंड एग्जाम्पल भी आपको समझ में आ गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नंबर थर्ड एग्जाम्पल की तरफ। फ्रेंड्स हमारा नंबर थर्ड एग्जाम्पल है, इसी दौरान गोलीबारी आगे चलता रहा, इसी दौरान गोलीबारी आगे चलता रहा, गोलीबारी आगे चलता। इन द मीन वाइल गन बैटल इंस्यूड, इन द मीन वाइल गन बैटल इंस्यूड। अब यहाँ इंस्यू कहने का मतलब जो भविष्य में भी जारी रहे उसके लिए इंस्यू वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे और एडवांस वर्ड का इस्तेमाल किया है, द गन बैटल इंस्यूड। यहाँ पे गोलीबारी आगे भी चलता रहा, ठीक है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ नंबर थर्ड एग्जाम्पल आपको समझ में आएंगे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं नंबर फोर एग्जाम्पल की तरफ जो कि हमारा लास्ट लेकिन बहुत जबरदस्त बहुत शानदार है। फ्रेंड्स तो चलिए हम आगे देखते हैं नंबर फोर। नंबर फोर है हमारा फ्रेंड्स, नंबर फोर है हमारा यह, इसी दौरान यह खबर अखबार में छपी, इसी दौरान यह खबर अखबार में छपी। तो फ्रेंड्स अखबार में छपने के लिए पब्लिश वर्ड का इस्तेमाल करता है, लेकिन मैं कुछ यहाँ हमेशा अलग देने का आपको प्रयास करता हूँ, अलग लेवल का वोकैबुलरी। तो फ्रेंड्स लिखिएगा, इन द मीन वाइल दिस न्यूज फ्लैश्ड इन द न्यूज पेपर, इन द मीन वाइल दिस न्यूज फ्लैश्ड इन द न्यूज पेपर। फ्लैश न्यूज का मतलब होता है प्रकाशित होना, कि खबर कोई जब छपती है तो उसके लिए फ्लैश न्यूज का भी इस्तेमाल करते हैं और एयर न्यूज का भी इस्तेमाल करते हैं। एयर मतलब जनरली आप हवा जानते हैं और एयर न्यूज का अर्थ भी होता है प्रकाशित होना, जैसे या एयर व्यूज अपना भाव रखना, ठीक है, या अपना सोच विचार रखना, वो भी होता है। तो फ्रेंड्स मैं एक बार फिर से इसको रिपीट कर देना चाहूंगा क्योंकि बहुत सारी एडवांस बातें इसमें आ चुकी है, बहुत सारी एडवांस वोकैबुलरी इस वीडियो के अंतर्गत आ चुकी है। तो फ्रेंड्स एक बार फिर से नंबर फोर को रिपीट कर देना चाहूंगा जो कि हमारा लास्ट है, इसी दौरान यह खबर न्यूज़पेपर में छपी, इन द मीनवाइल दिस न्यूज फ्लैश इन द न्यूज पेपर, इन द मीनवाइल दिस न्यूज फ्लैश इन द न्यूज पेपर। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि सारे एग्जाम्पल्स आपको सरलता से समझ में आए और चार एग्जाम्पल बहुत जबरदस्त तरीके से मैंने आपको समझा। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव बहुत शानदार लगी। फ्रेंड्स वाकई में मेरी वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी, इंटरेस्टिंग लगी, शानदार लगी, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। ना मिलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, फिर मिलते हम लोग नेक्स्ट वीडियो।